भैया चक्का घूम रहा है। इनका कोई रिएक्शन नहीं था, थोड़ा अलग अलग तरीके से बोलना पड़ेगा, थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ बोलना पड़ेगा। भैया पीछे वाला घूम रहा है, घूम रहा है, चक्का घूम रहा है। प्रैंक कर दिया भाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और आज हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं मार्केट, कुछ कागज डॉक्यूमेंट्स का काम है। बहुत सारा अपने पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो कि बचपन से बहुत ज़रूरी होती है, तो अभी सबको एक ख्याल आ रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरी है। चलो आगे वो डॉक्यूमेंट्स का काम सारा कुछ कर लेते हैं, मार्केट चलते हैं। चलो शाम के टाइम पे बंद रहता है ना, बहुत दिक्कत हो जाती है। कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आसपास किसी से नंबर मांग लेते हैं ना। सब प्यार में डूबे हुए गाइस, सोचा दिन का टाइम है, आ जाते हैं जल्दी, फटाफट अपना काम हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, जिम के बाद यहीं आगे डायरेक्ट, लेकिन हुआ नहीं कुछ। यही तो दिक्कत है भाई कि आप एक 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 काम के लिए निकलो, लेकिन वो भी नहीं होता भाई ढंग से। कब होगा पता नहीं यार, जब भी निकलते हैं एक बार में तो कब भी नहीं होना है, दो तीन बार तो रगड़ना ही पड़ेगा तब जाकर होगा। मायूसी है। चलो चलते हैं घर। भैया चक्का घूम रहा है, चक्का घूम रहा है। एक बात तो कंफ्यूज हो गया कि क्या बोल रहा है ये, तो फिर बोल रहा है कि वो तो घूमे गई। भैया चक्का घूम रहा है। इनका कोई रिएक्शन नहीं था, थोड़ा अलग अलग तरीके से बोलना पड़ेगा, थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ बोलना पड़ेगा। भैया पीछे वाला घूम रहा है, घूम रहा है, चक्का घूम रहा है। प्रैंक कर दिया भाई, बेचारे रुक के देखने के लिए। बचपन में ये सब बहुत करते थे, लेकिन मजा अब भी आता है इस चीज का ना। अपने घर में यहाँ देखो फिर से काम वाम चल रहा है। अभी फ्रेश व्रेश होकर फिर से मार्केट जाएंगे फॉर्म लेने के लिए। तो दोस्तों आज हम लोग लेंगे दिन का पहला मिल। ये देखो ये पहला मिल है, इसमें आपको मिलेगा सोया चंक्स, ये है केनवा और ये ग्रीन सैलेड। मेरा कहने का मतलब ये था, मुद्दा ये था कि अगर डाइट फ्लेक्सिबल हो ना तो आपको खाने में भी मजा आएगा, आप कभी बोर भी नहीं होगे, तो मस्त खाते रहो और बॉडी बनाते रहो, फिट रहो भाई। तो दोस्तों हम लोग फ्रेश तो हो चुके हैं, नाश्ता वास्ता भी कर चुके हैं, अब फिर से जाएंगे मार्केट डॉक्यूमेंट्स के काम के लिए। और पता है अच्छी बात ये है कि हमारा काम तभी नहीं हुआ, वापस आना पड़ा, क्योंकि इन कागज़ों के बिना वो काम ऐसे भी नहीं होता, तो ये तो घर पर छोड़ के गए थे। चलो काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है, कैप पहन लिए फेस को बचाने के लिए। बहुत लंबा और लेंदी प्रोसेस है, सरकारी काम है ना, जितना जल्दी हो जाए उतना फ़ायदा है, नहीं तो फिर खींचाते रहेगा ये काम। तो काश ऐसा होता कि आप एक जगह जाओ और आपके सारे काम हो जाए, इधर उधर भटकना ना पड़े, 10 जगह सिग्नेचर ना लेना पड़े, तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और गाइस शाम के बजे 6:30 और हमारे घर का जो थीम है ना, देखो फुल ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है। सोनू यहाँ पर काट रहा है खरबूजा, पपीता काट रहा है। इन्वर्टर बेचारा कितना ही देर लोड ले, पी 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 किए जा रहा है, रोए जा रहा है। बोल रहा बंद करो ये सब, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। बाहर का मौसम देखो, अंधेरा तो बहुत पहले से हुआ है, हवाएं भी चल रही है, लेकिन ठंडक बिल्कुल नहीं है, बारिश की उम्मीद कर रहे हैं भाई। हे भगवान बारिश करा दे, यही बस प्रे कर रहे हैं। लाइन नहीं है तब से, बैटरी का चार्ज भी खत्म। तो दोस्तों घर के अंधेरे में हो रहे थे काफी ज्यादा बोर, आगे मैदान में घर के पीछे वाले घूमते घूमते आगे, और अंधेरे में हमने किसकी चप्पल कौन किसने डाल लिया भाई वो भी पता नहीं है। मैंने तो सोनू का चप्पल डाल लिया अंधेरे में, अभी मैं लाइट में देख कर पता कर रहा हूँ। ये देखो ये सोनू का चप्पल है, और इसका देखो भाई मम्मी का चप्पल पहन कर आया हुआ है। आराम से यहाँ आए, शांति से बैठेंगे, यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, खंबे पे यहाँ पर लाइट जल रही है, तो घर में भी होपफुली बिजली आ चुकी होगी। ये यहाँ पर क्या कर रहा है पता नहीं, कर दिया है। चलो चलो चलो, इसके ऊपर बैठिए, अभी नहीं बैठना, हम बैठ कर दिखा रहे हैं। वाह बहुत अच्छा काम किया। अरे उठाइए, चलो उठ गया ना, चलो अब चलते हैं घर, भूख भी लगी कुछ खा लेंगे। और दोस्तों रात के 11 बज रहे हैं और रोहित के घर में बोरिंग होने वाली है, गाड़ी आई हुई है यहाँ पर, देख लो। तू क्या कर रहा है इतने रात को, देख रहे हैं। तू जा अंदर जा, क्या है? देख रहा है, जा अंदर जा। नहीं। चल नहीं, इतना रात हो गया ये बाहर घूम रहा है, पतौली बाजी छोड़ेगा नहीं। तुम बोल कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं भाई, सब चला के देखना होता है कुछ, इसको हटा दो चला देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। फाइनली आज रोहित के घर में हो जाएगी बोरिंग, फिल्म की शूटिंग होगी ना ऐसा लग रहा है, लाइट भी है, कैमरा भी है, और एक्शन होने वाला अभी देखो, जस्ट बोरिंग करने वाली भी ब्लॉग आ गई, जमीन की बोरिंग की बात हो रही है। ये देखो यहाँ से कंट्रोल होता है, अभी पूरा सेटअप किया जा रहा है यहाँ पर, एक्शन टाइम है। और दोस्तों ये देखो ये रहा मेन कटर, यही जो है ड्रिल करता है, देखो ये रोटेट करते हुए पूरा अंदर तक जाता है। सब बोलते हैं डायमंड रहता है, लेकिन आज देख लिया डायमंड वायमंड मुझे तो कुछ नहीं दिखा भाई, डायमंड रहता तो आदमी कंगाल हो जाता।
20 फुट का पाइप है देखो, ये एक बार घूमेगा 20 फुट नीचे सीधे। तुम सोएगा नहीं बम बम? जसो जा जा जसो जा बोले दी जाओ, इतना रात हो गया तुम क्या जग के देखेगा सब? जा, इंटरेस्ट लग रहा है ना देखने में? ए बोले थे हागू खाबी, हागू खाबी बोल छे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। केशव दादा गलत चीज सिखा रहे तेरे को। तो सही चीज कौन सिखा रहा है? सही चीज सिखा रहे हम, एक सही चीज सिखा रहे हैं। केशव दादा पदोड़ा मैन गलत गलत चीज सिखा रहा बच्चे के, लोग बिगाड़ रहे। यही उम्र है जो सीखना है। तो इतना ज्यादा मच्छर है ना, क्या लाइट की वजह से मच्छर? अब धीरे धीरे मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो रहे, एक जगह इकट्ठे एकदम। जेसीबी की खुदाई जैसे लोगों को पसंद आती है, अब बोरिंग भी लोगों को पसंद आती है, तो इसलिए सब आ रहे हैं रात को। आज सोना नहीं, आज सबको बोरिंग देख रहे हैं, सब टॉर्च पकड़ पकड़ के आ रहे हैं कि जैसे कितनी पार्टी वार्टी चल रही होगी। नहीं यहाँ पारी हो रही है। गुल्लू पागल बोलो तो अच्छा, इधर तो बोरिंग हो रहा है लेकिन मच्छर हम लोग को बोरिंग कर दे रहा है। देखी कितना डिप किया बोरिंग, देखी कितना डिप बोरिंग किया, देखी मच्छर इधर उधर देखने तो हमको। और भाई ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ऑपरेट होता है डीजी के मदद से, जो पार्टी शादी पार्टी में, बड़ी बड़ी शादी पार्टियों में, होटल्स में, अपार्टमेंट्स में यूज होती है ना, जनरेटर बड़ी वाली डीजी बोलते हैं जिसको, ये देखो इसके मदद से ऑपरेट होता है। लोग बहुत मेहनत करते हैं यार, हालत ख़राब हो जाती है ना। अभी इससे पहले भी कहीं बोरिंग ही कर रहे थे। फाइनली दोस्तों काम अपना स्टार्ट हो चुका है बोरिंग का, सुबह के 4 बजे तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा सारा कुछ। हम तो देख कर ही थक गए हैं, लोग तो करके भी नहीं थक रहे भाई। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल वाले ब्लॉग को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं किचन में और यहाँ पर देखो मस्त मछली फ्राई की जाएगी। और ये देखो, ये है मछली का अंडा, ये है मछली का तेल, उसको हम लोग बांग्ला में कहते हैं माछे डी मेरे बोड़ा। मस्त लगता है, बहुत सही लगता है खाने में। गरम गरम यहाँ मछली फ्राई हो रहा है। घर का आंगन जो है ना देखो, अब कितना साफ सुथरा सा लग रहा है, और ज़्यादा साफ होगा तो और बढ़िया लगेगा, लेकिन इतना स्पेस अपना खाली हो गया देख लो। यहाँ सेंटरिंग वगैरह हो गया फ्लोर का देखो, ये इधर बस इतना पोर्शन बाकी है। कल रात को काम चलते चलते कुछ ही देर में बंद हो गई। पहले ही जब ड्रिल होना स्टार्ट हुआ ना, मशीन में कुछ फॉल्ट आ गया, टियर हो गया शायद, कोई पार्ट्स में टियर आ गया, तो ये लोग सुबह सुबह वेल्डिंग कर रहे हैं, कल रात से ये लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं। लोग यहाँ खाना वाना बनाते हैं मस्त देखो। कल नहीं हुआ बोरिंग? क्या हो गया, कुछ टूट उठ गया क्या? क्या करिएगा अब? निकाल दिया ना वो, ये खराब हो गया, ये देखो ये पार्ट डैमेज हो गया इनका, और इनके पास एक्स्ट्रा रहता है ताकि कभी भी डैमेज आ जाए ना करते करते कोई भी काम, तो ये लोग आराम से चेंज वेंज करके पूरा काम अपना कर ले। होप किए थे कि कल रात को ही खत्म हो जाएगा इनका काम, लेकिन क्या करें, वेयर एंड टीयर तो होते रहता है मशीन से। और सही मायने में बोला जाए ना फ्रेंड्स, तो ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, बोरिंग का काम कर रहे हैं, इनकी लाइफ बहुत टफ होती है, खासकर इस दौरान में गर्मियों में ज्यादा बोरिंग होती है ना, क्योंकि एक्चुअल पानी का लेवल उसी टाइम पे पता चलता है। गर्मी में ही लोग बोरिंग कराना प्रीफर करते हैं, क्योंकि तभी पता चलता है कि पानी कितने हद तक नीचे जाता है। दोस्त अभी शाम हो रही है, अभी निकलते हैं अपने एक पुराने दोस्त के साथ। ये है अमर, कैमरा देख के थोड़ा सा नर्वस हो जा रहा है। और अभी हम लोग जाएंगे घूमने जा रहे हैं, ऐसे कहीं भी टहलने चलेंगे। तो दोस्त देखो, हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ पे देखो एक नाला सा है बड़ा, यहाँ पे बरसात के सीजन में तो पूरा पानी भर जाता है, और काफ़ी सारे मछलियाँ इधर खेतों से जंगल से होते हुए इधर आ जाती है। यहाँ पे गांव के लोग मछली पकड़ने यहीं पर आते हैं। और ये वो स्पॉट है जब कभी भी हम लोग लोनली या थोड़ा सा लो फील करते थे ना, तो मैं और ये मेरा दोस्त यहाँ पर आके बैठते थे, बात बात करते थे, अपना टाइम पास करते थे, फिर वापस घर चले जाते थे। भाई डालना मत। क्यों भाई? अरे ब्रो मत डालना, अरे इतना शर्मा रहा है। नहीं भाई बताओ यार, इतना शर्मा रहा है वीडियो में आने के लिए, कह रहा वीडियो मत डालना। भाई प्राइवेसी का बात है तो बोल नहीं डालेंगे, लेकिन कम्फर्ट नहीं हो? हाँ कम्फर्टेबल। अच्छा ठीक है चलो, इसका फेस ब्लर कर दूंगा मैं ना। अरे भाई सब क्या कर भाई, नहीं तो मेरा मेहनत खराब हो जाएगा, वो भी तो सोचो। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब भूख लगे और हम लोग चिकन और लिट्टी खाने चले, बहुत फेमस है यहाँ पे चिकन लिट्टी। अभी नई नई दुकान भी खुली है एक दोस्त की है, तो वहाँ पर जाएंगे चिकन लिट्टी खाएंगे। तो बातें बातें करते करते टाइम निकल गई, अब हम लोग वहाँ से निकल के यहाँ लिट्टी दुकान पहुँच गए। चिकन लिट्टी हो जाएगा ना भाई? हाँ। अंदर गर्मी है ना? अरे नहीं बाहर ही ठीक है, बाहर। चिकन लिट्टी के लिए हम आए और चिकन लिट्टी खत्म है इनके पास, चिकन तो लिट्टी खत्म है, तो बर्गर खा लेंगे, अब क्या ही कर सकते हैं भाई, जिस चीज़ के लिए दुकान फेमस हो वही खत्म है, बताओ। और गाइस हमारा बर्गर आ गया यहाँ पर, बर्गर पेट पूजा हो गया, अब चलते हैं, चलो गाइस। तो अभी यहाँ पर हो रही है पैकअप, काम हो चुका खत्म, फाइनली पानी निकल चुका है, ये लोग जा रहे हैं अब देखो, अपना सामान वामान बांध के लोड वोड करके सब अपने अपने जगह जा रहे हैं। तो बोरिंग सक्सेसफुल रहा, पानी भी निकल गया, चलो केशु का प्रॉब्लम तो दूर हुआ, इतने दिन से जो पानी का स्ट्रगल था वो आखिरकार खत्म हुआ। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं अपने रूम में, और आज के ब्लॉग में यही सब था जो कुछ देखा आपने, हो सकता है आपको मजा आया हो सकता है आप कहीं पर बोर हुए हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आप भी अपना बेस्ट दो,
लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलो और हाँ, कमेंट भी नहीं करते हो यार, आपका कैसा लगा नहीं लगा बताओ, ज़रूर कमेंट करोगे तो ना मुझे पता चलेगा कहाँ पे सुधार करना है, फीडबैक डाल दो कमेंट पे। तो ये सारी चीज़ें थी आज के व्लॉग में, अब करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। और अगर आपको इतने में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नया तो ज़रूर कर देना सब्सक्राइब। फिर से मिलते हैं नया व्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। अबे धुंधली सारी रात धुंधली तेरी बातें, जाने क्यों ना जाने क्यों, चांद आ जाए पर तू वही थम जाए, जाने क्यों ना जाने क्यों, शिकायतें